आउज़बल्न शैतरम बिस्मिल्लिम्लमदिल्ला आज हम फिफ्टीत हदीत फ़्राम द बुक ऑफ अरबीन नवाबी पढ़ेंगे जिसका टॉपिक है इस्लामी आदब माशरत तो देखिए ये हदीस जो है ना इट इज़ ऑल अबाउट जो इस्लाम के अंदर जो गाइडलाइंस दी गई हैं कि माशरे में किस तरह से रहना चाहिए एक सोसाइटी कैसे अच्छी बनती है और सोसाइटी में रहने के लिए क्या गाइडलाइन हैं सो डैट द सोसाइटी बिकम्स मोर पीसफुल एंड अ प्लेस एवरी वन एवरी पीपल फ्राम द कम्यूनिटी Can live तो ये गाइडलाइंस जो है आपको जगह जगह में, में भी खास तौर पर जो है, की तरफ इशारा किया गया है तो अगर हम देखें तो इस्लाम जो है सोसाइटी you know, um, you know, um, तो यहां पर बताया जा रहा है कि जो अल्लाह और योम आखिरत पर ईमान रखता है वो अच्छी बात कहे या फिर खामोश रहे वो अपने हमसा की इज्जत करे और जो शख्स अल्लाह और योम आखिरत पर ईमान रखता है वो मेहमान की इज़्ज़त नवाजी करे। तो यहाँ पे तीन चार पॉइंट्स बताए हैं उस इंसान के बारे में जो अल्लाह ताला पर यकीन रखता है सबसे पहला पॉइंट क्या बताए कि अगर वो बात करे तो अच्छी बात करे या खामोश रहे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज हमारी जिंदगी में स्पेशली अगर मैं वुमेन की बात करूं तो हमारी ज़िंदगियों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स या मेजर प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो इसी वजह से होती हैं कि हम जुबान से ऐसी बात बोल देते हैं या गुस्से में ऐसी बात बोल देते हैं जो हम खुद नहीं चाहते कि हमें बोलना चाहिए और बोलने के बाद हम पछताते भी हैं तो यहाँ पर उसी बात की तरफ तोज्जा दिलाई जा रही है जब हम मुसलमान हैं जब अल्लाह और आखिरत पर यकीन रखते हैं तो हम बात किसी से भी करें कोई भी इंसान हो छोटा बड़ा काला गोरा मुस्लिम नॉन मुस्लिम जो भी इंसान है उससे जब हम बात करें तो सोच समझ कर बात करें और अच्छी बात कहें अगर हमारे पास कहने को कोई अच्छी बात नहीं है तो फिर यहाँ तक भी बोला गया है हदीस में कि हम खामोश हो जाएं तो ये कितनी बड़ी बात है और आज हम विदाउट थिंकिंग बहुत ही गोसपिंग करते हैं बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में बातें बनाते हैं लोगों की चोलियाँ करते हैं गबतें करते हैं और ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिससे बहुत बड़े बड़े फितने हो जाते हैं लड़ाइयाँ हो जाती हैं घरों में ख़ानदानों में आपस में दो लोगों के रिश्ते टूट जाते हैं हमारी ज़ुबान की वजह से हमारी बात की वजह से तो यहाँ जो है इस हदीस में इसी बात की तरफ तोजह दिलाई गई है कि एक मोमिन जो होता है ना जो अल्लाह पर बिलीफ रखता है आखिरत पर बिलीफ रखता है वो कभी भी ज़ुबान से ऐसी बात नहीं निकालता जिससे दूसरों को तकलीफ़ पहुँचे जिससे दूसरों के रिश्ते ख़राब हो जिससे जो है लोगों के रिश्ते टूटे फसाद बरपा हो अगर उसके पास कहने को कुछ नहीं तो खामोश रहता इट इज़ नॉट नेसेसरी और इम्पोर्टेंट फॉर यू टू कीप टॉकिंग ऑल द टाइम ठीक है ऐसा ज़रूरी नहीं है यू कैन जस्ट सिट एंड लिसन टू अदर्स यू कैन कीप क्वाइट यू कैन डू जिक्र ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम कुछ बोलें ही और वो कुछ बोलने ही के चक्कर में हम कुछ भी ऐसा बोल जाते हैं जिसकी वजह से बहुत नुकसान उठाना पड़ता है और इसी बात की तरफ जो है यहाँ पर रहनुमाई की गई है कि अगर कहने को कुछ अच्छा है तो ज़रूर कहो लेकिन अगर कहने को कुछ अच्छा नहीं है कोई बुरी बात ज़ुबान से निकलने वाली है कोई ऐसी बात ज़ुबान से निकलने वाली है जिसमें किसी का फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान है तो तुम ऐसी बात करने से गुरेज करो ऐसी बात अपनी ज़ुबान से ना निकालो और ख़ामोश बैठ जाओ क्योंकि ज़ुबान एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को जहन्नुम में ले जाती है हर तरह का नेकमल करता है इंसान नमाज़ कुरान रोज़ा ज़क़़त सब करता है लेकिन ज़ुबान से ऐसी बात बोल देता है जिससे उसके पूरे कामों पर केक राय पर पानी फिर जाता है फिर कहा गया कि अपने हमसाए की इज़्ज़त करें हमसाया किसको कहते हैं हमारे जो नेबर्स होते हैं उनको हमसाया कहते हैं तो हमें अपने नेबर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए उनकी इज्जत करनी चाहिए उनके साथ अच्छे तलुक़ा रखने चाहिए आज जमाना इतना मतलब ऐसा हो गया है कि हमें खुद नहीं पता कि हमारी बिल्डिंग में कौन रहते हैं आस पड़ोस में हमें खुद नहीं पता कि हमारे पड़ोस में कौन है अगर हमसे कोई पूछे तो हम सोचते हैं हम तो कभी नहीं गए वो भी हमारे पास नहीं आए नहीं ये इस्लाम ने सिखाता इस्लाम में पड़ोसीयों की बहुत ज़्यादा अहमियत है हमें अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना है अगर हमारे पड़ोस में कोई बीमार है तो हमारा सबसे पहला हक ये है उसका कि हम जाएँ उसकी यादत के लिए हम उसका जाकर टेक केयर करें उसकी तबीयत के बारे में पूछें उसका ख्याल रखें उसकी कोई ज़रूरत है तो उसको पूरा करें अगर वो नहीं उठ सकता तो उसके लिए खाना बनवा कर भेजें अगर उसको फाइनेंशियली हेल्प की ज़रूरत है तो जितना हमसे बन पड़ता है हम उसको फाइनेंशियली हेल्प करें तो ये जो है ना पड़ोसियों की इज़्ज़त और उनकी हरमत और इसका पास रखना जो है हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है हम जो है आज ऐसे हालात में रहते हैं या ऐसी सोसाइटी में रहते हैं हमें बिल्कुल इल्म नहीं होता कि हमारे पड़ोस में कोई गुजर भी जाता है तो हमें पता नहीं चलता जब तक कि वो जनाजा ना उठे तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है ये बहुत ही गलत बात है क्योंकि मुसलमान जो है ऐसा नहीं हो सकता एक मोमिन जो है अपने पड़ोसियों की खबरगिरी करता है उनके बारे में इंफॉमेशन रखता है ऐसा नहीं कि उनकी टो में लगना और उनके ऊपर जासूसी करना मैं इस सेंस में नहीं बोल रही मैं इस सेंस में बोल रही हूँ कि आप उनकी तकलीफ और परेशानी उनके सुख और दुख में साथ खड़े हों अगर उनकी जरूरत है तो उनको कहीं और जाकर ना मांगना पड़े बल्कि आप खुद जाकर उनसे पूछें उनकी यादत करें उनके लिए फल और फ्रूट्स लेकर जाएँ और उनकी उनकी ज़रूरतों को पूरा करें तो अल्लाह तला इसका बहुत ज़्यादा अजर रखा हुआ है हम मामूली सी बात पर पड़ोसियों से लड़ जाते हैं उनसे ताल तोड़ लेते हैं उनके घर अपने बच्चों को नहीं भेजते या कोई भी बात की वजह से जो है हम बहुत ही अलग अलग से हो जाते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए हमें पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते निभाने चाहिए उनके साथ अच्छे से तलुकत मेंटेन करना चाहिए अगर हमारे बीच में कोई अनबन भी होती है तो हमें उसे सॉल्व कर लेना चाहिए क्योंकि अल्लाह तला को यह बिल्कुल नहीं पसंद इस हदीस से भी यही पता चलता है कि जो मोमिन होता है वो हमेशा अपने हमसायों की इज्जत करता है उनको रिस्पेक्ट देकर बात करता है कभी भी उनके साथ झगड़ा करना या उनसे तल्क तोड़ने की कोशिश नहीं करता आखिरी बात जो बताई गई वो ये है कि मेहमान की मेहमान की इज्जत करता है और मेहमान की जो है इकराम नवाजी करता है तो देखिए जो हमारे घर पर मेहमान आते हैं स्पेशली आजकल तो ऐसा माहौल बना हुआ है स्पेशली यंग गर्ल्स और जो <coughs> आजकल की जनरेशन है उनको कोई मेहमान कोई रिश्तेदार नहीं चाहिए जैसे ही कोई रिश्तेदार या मेहमान घर पे आते हैं वो एकदम मुंह बना लेते हैं कि ये क्यों आ गए क्या ज़रूरत थी आने की इस तरह से तो हमें अपने बच्चों को सिखाना है कि मेहमान अल्लाह की तरफ़ से जो है गिफ्ट होते हैं वो जब आते हैं तो अपनी रोज़ी ख़ुद लेकर आते हैं हमारे घर का कुछ नहीं खाते वो उनकी रोज़ी ख़ुद लेकर आते हैं और हमें हमारी हैसियत के हिसाब से उनकी मेहमान नवाजी करनी चाहिए उनको जो है फल फ्रूट दे काट कर खाने के लिए या चाय बना दे जो भी हम कर सकते हैं और अगर जो है मेहमान की जैसे इस हदीस में बताया गया है कि इज़्ज़त करना अगर हम उनकी इज़्ज़त नहीं कर रहे हैं उनके साथ बुरा सुलूक कर रहे तो इसका हिसाब हमें क़यामत के दिन देना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही गंदी गिरीवी और घटिया बात है कि कोई इंसान हमारे घर पर आया है किसी भी वजह से और हम उसके साथ बुरा सुलूक कर रहे हैं तो मेहमान की इज़्ज़त करना पड़ोसियों की इज़्ज़त करना दोनों का ख्याल रखना ये हमारी ज़िम्मेदारी है ये उनका हक है जो भी हमारी हैसियत है हम उस हिसाब से उनको डील करें और जो है जब हम बात करें तो अच्छी बात करें बुरी बात अपनी ज़ुबान से ना निकालें और लोगों के दरमियान फसाद नहीं बरपा करें अच्छी बात कहकर लोगों को जोड़ कर रखने की कोशिश करें अगर हमारे पास कहने को कुछ नहीं तो हम खामोश हो जाए जिक्र करें या कोई और फ़ायदा मंद काम करें लेकिन जो है हम किसी की दिल ना दुखाएं किसी का भी कोई भी सख्त बात बोलकर कोई ऐसी बात बोलकर किसी को तकलीफ़ या रो रु, रुला ना दे क्योंकि अल्लाह ताला को ये चीज़ें नहीं पसंद और ना ही एक मुसलमान ये काम कर सकता है तो आई होप कि यह हदीस आपको समझ में आई होगी इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट हदीस इसमें वो गाइडलाइंस दी गई हैं जिससे एक हेल्दी और एक पीसफुल सोसाइटी कायम हो सकती है ये सारी पॉइंट्स जो है हमें अपने अंदर भी डालना है हमें ख़ुद प्रैक्टिकली इनको करना है और अपने बच्चों को भी सिखाना है बचपन ही से कि वो दूसरों की रिस्पेक्ट करें मेहमान की रिस्पेक्ट करें और जो है वो ज़ुबान से अच्छी बातें बोलें लड़ाई झगड़ा गाली गलोज ना करें और इन सब चीज़ों से दूर रहें तो आई होप कि यह हदीस समझ में आई होगी प्लीज़ इस हदीस को दूसरों के साथ शेयर कीजिए क्योंकि अगर हमारे शेयर करने से कोई किसी बात पर अमल करता है तो उसका हमें भी मिलेगा इन और अल्लाह ताला हमारे अमाल को ज़रूर कबूल करेगा हमें ये कोशिश करनी है कि जो भी हम सीखते हैं उसको दूसरों तक पहुंचाएं आप लोग प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को लाइक किया करें कॉमेंट किया करें ताकि हमें हौसला मिले हम जो है हमें मोटिवेशन मिले और हम इसी तरह आगे बढ़ते रहे अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें अमल करने वाला बनाए और दूसरों तक पहुंचाने वाला बनाए जजाकमल खैरन कसीरा